जय हिंद। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चले को आ कहते हैं, मुझे आ कहते हैं, जो आता है उसे बर्ड आई के ब्लॉग कहते हैं। तो अभी हम हो चुके हैं तैयार और अभी हम निकलेंगे। हमारी हो चुकी है ब्रेक फेल, अभी करेंगे ब्रेकफास्ट थोड़ा सा और फिर जाएंगे ब्रेक भी चेक करवाएंगे और होटल के पैसे देने के लिए हमारे पास कम पड़ चुके हैं। तो अब क्या पता यहाँ पे हमें शायद दो तीन दिन नौकरी भी करनी पड़ सकती है, ऐसी बात नहीं है। तो अलमास भाई को हम इधर ही छोड़ देंगे, अगर हमारे पास पैसों का जुगाड़ नहीं हुआ तो अलमास भाई रहोगे ना यहाँ पे? हाँ भाई रह लूंगा। कितने दिन? तीन चार दिन फिर आ जाना लेने। आ जाएंगे। तो ये दावर भाई हमारे तहंग ट्रैवलर, तो ये हमारा सिला भाई सख्त लौंडा। यो चलते हैं ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं कि क्या ब्रेकफास्ट में होने वाला है। तो पिछला व्लॉग में एंड करना भूल गया था गाइस, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरी गोप्रो की बैटरी हो चुकी थी डेड थोड़ी सी। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो गाइस फाइनली अब हमारा सामान हो रहा है पैक और ये हमारा होटल ग्रीन व्यू। और यहाँ पर सिल्ला भाई यहाँ पे लगा हुआ है बैग पैक करने में, मेरी बाइक पे लग चुका है। और ये देख सकते हो बाइकों की हालत, देख सकते हो कितनी गंदी हो गई है। ये इतना सख्त है कि पिघल जाता है। पिघल जाता है, इसको बर्फ में डाल के रखना पड़ता है सख्त लोडे को। तो गाइस मेरा आज का सफर जो है सोलो ट्रिप है पहली बार, और गाइस मेरी सोलो ट्रिप है कम से कम 300 किलोमीटर की। अब देखते हैं कि कैसे पहुंचेंगे। ऊपर से मेरी ब्रेक फेल है नीचे वाली, तो अभी ब्रेक भी दिखाएंगे कहीं पे कि ब्रेक ठीक करवाएंगे, उसके बाद आगे का सफर तय करेंगे 300 किलोमीटर का। बसोली से हम सारे भाइयों को अलविदा कह के अपने रास्ते निकलेंगे, देखते हैं फिर। बस आपका लाइक, आपका प्यार चाहिए, आपकी सपोर्ट चाहिए, जितना आप प्यार दोगे उतना ही कम है। तो मिलते हैं इसके किसी के साथ। तो दावर भाई क्या बोलना चाहोगे? मैं क्या ही बोलूं, आखिरी मुलाकात है आज हमारी। आप जो बोलो वही सही है, आखिरी मुलाकात है। कैसा लग रहा है? आखिरी नहीं है, दोबारा भी करेंगे इंशाल्लाह। मतलब आज तक की आखिरी है ना? आज तक की, अभी तक की आखिरी है, बाकी तगड़े ट्रिप मारेंगे आगे आगे, देखो होता है क्या। एक्सपल्स आएगी तो ये तो सरप्राइज है। और दावर भाई की स्माइल देखो यार, ओ क्या बात है, क्या बात है। तो मिलते हैं गाइस आपको आगे जाके। तो यहाँ पर भैया आ चुके हैं और ये हमारा है इंजीनियर फूड प्लाजा, जो कि आपका बन्नी पुलिस स्टेशन के बिल्कुल ऑपोजिट। तो ये देख सकते हो अभी हम जाएंगे यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे। तो चलते हैं अंदर अंदर, तो दिखाते हैं आपको। ये देख सकते हो काफ़ी बढ़िया रेस्टोरेंट है ये। तो यहाँ पर सारे बैठ गए हैं, हम भी बैठेंगे और करेंगे ब्रेकफास्ट। क्यों भाई, सही बात है। फाइनली हमारा खाना आ चुका है प्लाजा से, और इनका इंजीनियर का डिटेलिंग भी इनका ही है। तो अलमास भाई ने पानी की बोतल भी डाल दी, क्योंकि मेरे को पानी का जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि मेरी अब सारी राइड होने वाली है आगे जाके, अपना बसोली से सोलो राइड होने वाली है कोई 250 किलोमीटर की। तो देखते हैं आज जम्मू पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, वही थोड़ा देखना पड़ेगा। बाइक करते हैं स्टार्ट। इंजीनियर फूड प्लाजा और यहाँ का खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो अब सफ़र काफ़ी ज़्यादा लंबा है, ब्रेक बिल्कुल हल्की सी है मेरी नीचे वाली, पूरी ब्रेक नहीं है बट मैनेज करना पड़ेगा, बिल्कुल हल्की सी बजती है पूरा नीचे करके, थोड़ा देखना पड़ेगा। एक बार हाईवे पे पहुंचता हूँ तो थोड़ी दिक्कत नहीं होगी, ऐसे बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। वादियाँ देख सकते हो सामने, क्या ही वादियाँ हैं, और अचानक से इतना बड़ा पंगा बन गया। और जितनी सपोर्ट मेरे को दावर भाई ने की, सली भाई ने की, मलिक भाई ने की और अलमास भाई ने की, और कोई होता तो मुश्किल ही था। तो गाइस हम बन्नी को कर देते हैं बाय बाय। तो ब्रेक वैसे कम ही है, बिल्कुल लाइट सी ब्रेक है, बिल्कुल लाइट सी, मतलब पूरा पैडल ब्रेक वाला नीचे करके चलाना पड़ रहा, पर चलो शुक्र है इतना तो हुआ। अब आगे जाके जम्मू तक पहुँच जाए एक बार, सफ़र काफ़ी ज़्यादा लंबा है और साथ भी कोई नहीं है। दावर भाई आगे से चले जाएंगे और मैं भी कठुआ के लिए निकल जाऊंगा। कठुआ कम से कम भी 180 किलोमीटर होगा वहाँ से, 180 नहीं तो कम से कम भी 160 तो होगा ही, इतना पक्का है। और यहाँ पे थोड़ी सी आ चुकी है ऑफ रोडिंग, थोड़ी है कि अब ज़्यादा है कि मेरे को तो इतना पता नहीं है इस जगह का, बट अब यहाँ से दो रास्ते जा रहे हैं, एक ऊपर को जा रहा है एक नीचे को जा रहा है। अब यहाँ से कहाँ जाना है वो मेरे को पूछना पड़ेगा। और अब मुझे फ़ोन जेब में डालना है
अब देखता हूँ कहीं आगे रुकूंगा ऑफ रोडिंग के बाद। बाइक भी ठल ठल मच रही है और ये रोड देख सकते हो आप, क्या क्या क्या, और धूल मिट्टी एक नंबर है भाई। बट यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत है क्योंकि यहाँ पर ब्रेक भी नहीं है, ब्रेक भी नहीं है और बाइक भी स्लिप मारेगी। तो अभी फ़ोन भी बज रहा है, फ़ोन तो मैं उठाऊँगा नहीं अभी। और मेरे ना सिर बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा भारी हो चुका है और सफ़र भी मेरा अभी कम से कम भी 5-6 घंटे का सफ़र है, 6-7 घंटे का। बट क्या करना है, जाना तो पड़ेगा। व्लॉग नहीं हो पा रहा है बट कोशिश पूरी है कि व्लॉग करना है तो करना है भाई। आप लोगों को भी बताना है कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। ये पुल आ गया, इधर से तो नहीं मुड़ना है, नहीं। गाइस ये देख सकते हो ऊपर से पानी आ रहा है, तो क्या ही फ्लो में पानी आ रहा है और इसको क्रॉस करना, और ये सारा पीने वाला पानी है तो इसको क्रॉस करते हैं। थोड़ा पानी थोड़ा प्रेशर में है बट कोई पता नहीं होता, कई बार धक्का भी लग जाता है। और यहाँ पे वो ब्रेक जाम हो गई, ब्रेक ही अटक गई नीचे। चलो गाइस, ब्रेक ना मेरे को उठानी पड़ रही है, रिस्की काम हो गया, काफ़ी ज़्यादा रिस्की काम हो गया। देखते हैं ऊपर वाली ब्रेक से ही चला रहा हूँ, यहाँ पे बाइक स्लिप होने के भी चांसेस हैं क्योंकि बजरी काफ़ी ज़्यादा है। और सबसे मेन मुद्दा भी यही है कि जम्मू कैसे पहुँचानी है, बाकी तो सब ठीक है। साफ़ रोड होगी तो ऊपर वाली ब्रेक से थोड़ा बहुत काम चल जाएगा, बट ऐसी रोड पर फ्रंट ब्रेक से काम चलाना थोड़ा सा ज़्यादा ही मुश्किल है। जब तक रोड साफ़ नहीं आती पूरी तब तक काफ़ी दिक्कतें मेरे को फेस करनी पड़ेंगी, बट अब आए हैं तो दिक्कतें तो फेस करनी ही पड़ेंगी। अरे फेल ही है अभी भी, जो हल्की हल्की फुल्की बज रही थी बट अब वो भी नहीं बज रही है। बाकी टायर भी इसका फट चुका है, टायर भी चेंज करवाना पड़ेगा। मतलब इसमें कम से कम भी अभी 7-8 हज़ार रुपये का खर्चा और है जो मेरे को करवाना पड़ेगा पूरा सेट। 15-16 हज़ार रुपया कहीं नहीं गया एक हिसाब से, अगर मैं बैरिंग भी डलवाऊँगा तो, क्योंकि खाली बैरिंग ही 4500 रुपये के बैरिंग है, 4500-4600 रुपये के। उसके अगले मंथ तो मेरा पक्का लद्दाख ट्रिप। अब देखते हैं कि कैसा सीन बनता लद्दाख का, उससे पहले गाड़ी पूरी टकाटक होनी चाहिए, टन होनी चाहिए गाड़ी, तभी जाऊँगा, नहीं तो ऐसे कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि वो 14-15 दिन का ट्रिप है। दिक्कत अगर वहाँ पे कोई हो जाएगी वहाँ पे तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई नहीं मिलने वाला। ब्रेक अट करिए नीचे ही, और अभी आपने देखा गाय आ गई थी आगे, और कसम से मेरे दिल धड़कना शुरू हो गया था यार, ऐसे मतलब डर गया दिल ही, क्योंकि डरेगा यार ब्रेक ही नहीं बजेगी तो कहीं गलती से बच जाए, अपने को भी लगेगी और अगले को भी लगेगी, उसका कोई फ़ायदा तो है नहीं। अब चला रहे हैं मज़े मज़े से। तो ये देख सकते हो नीचे का व्यू क्या ही आ रहा है यार, बहुत ही बड़े आ रहा है ये देखो। और ये जो ब्रेक काफ़ी ज़्यादा दिक्कत कर रही है, ये देखो भाई स्लिप मार रही है, ब्रेक ही नहीं बज रही यार, क्या करूँ क्योंकि रोड ही ऐसी है,
ब्रेक में मार भी नहीं सकता यहाँ पे। और आगे से मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा भी कैसा पॉइंट है। तो गाइस आप मेरे पीछे देख सकते हो डैम, तो अभी हमें वापस जाना पड़ेगा, यहाँ से नहीं है रास्ता, पिछली साइड से था जहाँ से मैं मुड़ा था, पर चलो चलते हैं वापस दोबारा से। तो डैम देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा बड़ा डैम है और यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जाता, आगे बंद किया हुआ है ये देख सकते हो आप। तो चलो अब चलते हैं वापस, लेट्स गो गाइस। हाँ तो पूरा डैम ये देख सकते हो, डैम नीचे ये देखो, डैम का पानी है पूरा ये। तो गाइस मैंने फाइनली मैप लगा लिया, तावर भाई भी घर आ रहे हैं पीछे आराम से, वो कह रहे तू थोड़ा सा आगे निकल। तो मलिक भाई गए हैं इंडिया का झंडा लेने, तो वो उनका वेट कर रहे हैं। अब तो उन्होंने मेरे को कहा तू आगे निकल क्योंकि ब्रेक नहीं है, राम राम से चल तो हम पीछे से कवर कर लेंगे। तो उस वजह से मैं निकल चुका हूँ आगे, तो वो आ जाएंगे। तो इस वजह से मैंने मैप भी लगा लिया कि मेरे को पता नहीं चलेगा, क्योंकि आगे जाके भी पीछे टर्न थे दो तीन, तो उस वजह से मैंने फिर मैप लगा लिया कि कन्फ्यूज़न ना हो गई। और रास्ता दिखा रहे हैं यहाँ से सिर्फ लखनपुर तक 139 किलोमीटर, सिर्फ लखनपुर तक 4 घंटे 1 मिनट में पहुँच सकता हूँ मैं वहाँ पे। और अभी टाइम हुआ है 1:04 तक, मैं कोशिश मतलब पूरी है कि कठुआ तक मैं पहुँच जाऊँ। 5 भी बज जाएँ कोई दिक्कत नहीं है, 8 तक मैं जम्मू पहुँच जाऊँ वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दिन दिन में ही मेरे को पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि अगर मेरी ब्रेकिंग वगैरह सही होती फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट अब ब्रेकिंग वगैरह मेरी नीचे वाली ज़ीरो है, ज़ीरो मूवमेंट है, तो उस वजह से थोड़ा मेरे को देखना पड़ेगा। और गाड़ियाँ भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ चलती हैं आगे, और यहाँ पर रोड का काम भी लगा हुआ है, तो शायद इधर जल्दी रोड भी बन जाएगी। सो गाइस यहाँ पे मैं गिरने वाला था अभी, पर बच गया, मिट्टी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। थोड़ा आराम से चलाना पड़ेगा। ओ भाई बच गया, ट्रिप तो मेरी ऑसम थी, 3-4 दिन से बाइक वगैरह पे हम ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब सोने का ही टाइम लगता, वो भी पूरे नहीं सो पाते, अच्छी तरीके से नींद नहीं पूरी कर पाते। तो आज मेरा सिर भी काफ़ी ज़्यादा भारी हो चुका है, बहुत ज़्यादा भारी हो चुका है, ऊपर से ब्रेक भी नहीं है और ऊपर से पहुंचना भी जम्मू में, बहुत कुछ फेस करनी पड़ती है भाई। अगर ऐसी जगह पे आ रहे हो ना आप, तो बहुत चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी। ब्रेक वगैरह पे अच्छा कंट्रोल होना चाहिए आपका, तभी आप इस ऐसी जगह पर आओ, वरना तो मत ही आओ। ढलान पर मेरे को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है इस टाइम पर, क्योंकि ब्रेक तो बज नहीं रही, तो मैं ब्रेक आधी हाफ ब्रेक ही रखता हूँ, रेस देने की मेरे को ज़रूरत नहीं है वैसे। एक पंगा ख़त्म होता है दूसरा शुरू होता है, दूसरा ख़त्म होता है तीसरा शुरू होता है, कुछ ना कुछ ट्रिप में दिक्कत होती होती है, एडवेंचर है ये। एडवेंचर में अगर प्रॉब्लम ही नहीं फेस करोगे तो फिर वो एडवेंचर हुआ ही किस काम का। यहाँ पर जो इतने मोटे मोटे पत्थर डाल देते ना, वो बहुत दिक्कत क्रिएट करते हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिप मार सकूँ। पर जो गाड़ी वाले ना, गाड़ी वाले यहाँ पे बिल्कुल देख के नहीं चलाते, धूल मिट्टी उड़ाएंगे, कम से कम पीछे तो देखो यार, आराम से चलो, थोड़ा सा एक ही बारी में ऐसा रेला दे देंगे, ऐसा दे देंगे कि कोई हिसाब नहीं, कि आप वादियों का एंजॉय करो, काफ़ी मतलब बढ़िया वादियाँ हैं यहाँ पे। मेरे को पानी मिल चुका है यहाँ पे, अब मैं बॉटल जो मेरे पास पड़ी है उसको मैं भर लेता हूँ, प्यास भी काफ़ी ज़्यादा लगी है, थोड़ा बहुत है पानी इसमें भी। चलो गाइस मैं दिखाता हूँ आपको कि पानी कैसे है यहाँ पे पाइप लगाई गई है कि पानी वगैरह अगर किसी ने भरना हो पानी भर सकता है यहाँ से। और ये बिल्कुल नेचुरल पानी है और इतना ठंडा चिल्ड पानी है ना, कोई हिसाब ही नहीं है। चलो अपना पानी का इंतज़ाम तो हो ही गया, अब पीते हैं पानी चिल्ला। बाकी व्यू देखो यार, क्या ही व्यू है यार, 3-4 दिन से ऑफ रोडिंग ही चल रही है, एक नंबर। दुनिया नहीं देखी तो क्या देखा, कब पता कब मौत आ जाए, रात को सोए हों सुबह उठे भी ना। यहाँ पे एक दो दुकानें भी हैं और छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है यहाँ पे, वो देखो एक पीछे भी दुकान बनी हुई है। क्योंकि मेरे को टाइम ज़्यादा लगेगा, मेरी एक ब्रेक फेल है जैसे कि आप लोगों को पता ही है, मैं भी आपको यहीं पे दिखा देता हूँ। आप सोच रहे हो कि शायद मैं झूठ बोल रहा हूँ, वैसा कुछ नहीं है, जो है आपके सामने दिखाऊँगा मैं आपको,
भाई आपका झूठ कभी नहीं बोलता, थोड़ी मौज मस्ती करता यार, कॉमेडी बनता है, कोशिश करता हूँ यार, बनूंगा कभी तो तब भी ठीक, नहीं बनूंगा तो तब भी ठीक। ये देखो ब्रेक टोटली फेल है, ये अटक गई है, इसको यहाँ से खोलना पड़ रहा है, बज बिल्कुल नहीं रही है देखो। तो इसका काम हो गया हुआ, अभी एक ही ब्रेक के सहारे हूँ मैं, तो उस वजह से मैं निकलता हूँ। तो ये झंडा लगा के मेरे को आगे कवर कर ही लेंगे, तो लेट्स गो गाइस। और बाकी आप यहाँ देख लो, घना जंगल है यहाँ पे, बट एक चीज़ है कि रोड साफ है, ऑफ रोडिंग नहीं है यहाँ पे, ऑफ रोडिंग काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है हमारी, और ऐसी ऑफ रोडिंग हुई है कसम से, पहली ही राइड थी मेरी पर मज़ा आ गया यार। और मैंने एक चीज़ देखी, बंदा सीधी रोड पे थक जाएगा, बट एक ऑफ रोडिंग में ना बंदा कभी नहीं थकेगा, बट सीन वही है, पर ऑफ रोडिंग पे आपको पूरा कंट्रोल होना चाहिए बाइक में, रात के टाइम खासकर, रोड रोड की तरफ आपकी आंखें ना ऐसे होनी चाहिए, मतलब चील की तरह अपना जो होता है ना, मतलब जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं अपना टारगेट, उसको हमने पूरे तरीके से देखना है, मतलब रोड की तरफ आपकी आंखें ऐसे होनी चाहिए, रोड से आंखें जबकि तो सोच लो कुछ भी हो सकता है आपके साथ। तो वही सीन है, बाकी यहाँ से वादियाँ देखो नीचे कहाँ कहाँ पे लोग रहते हैं, वो तो आपको मैं दिखा ही चुका हूँ। और यहाँ पे मौसम ठीक है पर गर्मी है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, सरथल में काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। हमने कल की डेट में ही पार कर लेना था, जम्मू पहुँचना था, बट पंचर लगाते लगाते काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया और उससे लगी भी नहीं, बाद में डबल डिस्क है, डिस्क लगी भी नहीं, उल्टा डिस्क भी ख़राब कर दी, वो भी अलग से खर्चा डलवा दिया मेरे को, तो उसी वजह से ब्रेक भी मेरी फेल हो चुकी है। फिर से अच्छा, मतलब यहाँ पे जिगरा काफ़ी ज़्यादा चाहिए आपको अगर बाइक चला रहे हो ना आप, ऑफ रोडिंग वाली साइड, खासकर जय वैली वाली साइड, आपको बहुत जिगरा चाहिए अगर बाइक चलाना है, ऐसे नहीं है, मजाक नहीं है वहाँ पे, और वो भी खासकर रात के टाइम पे कोई मजाक नहीं है। हम पहुँच गए जैसे तैसे करके, अच्छा ट्रिप हुआ हमारा, प्यार बांटते चलो यार, क्यों किसी के किसी से जलना, किसी से नफरत करनी, कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का, ज़िंदगी में ये चीज़ कुछ मायने नहीं रखती, ना कुछ लेके जाना है ना कुछ छोड़ के जाना है, जैसे आए थे वैसे ही जाना है, नंगे आए थे नंगे ही जाना है, तो कोई फ़ायदा नहीं है कि एक दूसरे से नफरत करो कुछ करो, प्यार मोहब्बत बांटते चलो। बाकी अगर आपको मेरे ब्लॉग में कोई गलती वगैरह लगती है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दिया करो यार, मैं उस चीज़ को सुधारने की कोशिश करूँगा। अगर आप बताओगे नहीं, अगर आप मेरी गलती मेरे को कमेंट सेक्शन में नहीं बताओगे, तो मैं कैसे ही बताऊँगा, कैसे ही वो चीज़ ठीक करूँगा यार। कोई मेरी गलती होती है मेरे को ज़रूर बताओ यार कमेंट सेक्शन में कि भाई आप ये चीज़ ज़्यादा बोलते हो, ये चीज़ आप गलत कर रहे हो, ये गलत है, वो चीज़ मेरे को बताओ, मेरे को पता चलना चाहिए कि मेरे से गलतियाँ क्या हो रही हैं, उसको कैसे मेरे को सही करना है, वो चीज़ें आप मेरे को बताओगे तो तभी मैं कर पाऊँगा ना। ऐसे अपने से तो मैं गलतियाँ, कुछ गलतियाँ जो थी वो तो मैंने सुधार दी है अपनी ब्लॉगिंग में, बट अब जो कुछ गलतियाँ मेरे से होती हैं जो ब्लॉग में दिखती हैं आपको, जो आपको लगता है कि नहीं यार ये यहाँ पर ये चीज़ नहीं थी, यहाँ पर वो चीज़ नहीं थी, वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो यार। जब तक आप बताओगे नहीं तब तक मैं उस चीज़ को कैसे सुधारूँगा, जहाँ जहाँ तक मेरे को गलती लगी वो तो मैंने सुधारी, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की उसको सुधारने की, बट थोड़ी बहुत गलतियाँ, सब तो एक बंदा तो पूरी गलतियाँ निकाल नहीं ना सकता, अब हर बंदा एक एक गलती भी बताएगा, 10 बंदे भी बताएंगे, 10 गलतियाँ तो मेरी ठीक होंगी ना, वही चीज़ है, आप मेरे को बताओ जो मेरी गलतियाँ हैं तो मैं उसको ठीक करूँगा। बाकी सामने देख सकते हो आप नज़ारा क्या ही है, नेचर नेचर है यार, नेचर का कोई मुकाबला नहीं, नेचर का मुकाबला ही नहीं कोई कर सकता। और हाँ एक बात और, जो लोग सोचते हैं ना कि यार हम कुछ नहीं कर सकते यार, ये हमारा पैशन है हम नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, करो उस चीज़ को यार, जो तुम्हें लगता है ना तुम कर सकते हो करो, आज गलती करोगे, दो गलती करोगे, 10 गलतियाँ करो, 50 गलतियाँ करोगे, एक ना एक टाइम पे ज़रूर सही हो गया, जो आपको मन करे वो करो यार, आपको कॉमेडी बनना कॉमेडी बनो, आपको आर्टिस्ट बनना आर्टिस्ट बनो, जो आपने करना करो यार, पेंटिंग करनी है पेंटिंग करो, घूमना है ट्रैवलिंग करनी है ट्रैवलिंग करो, सिंगिंग में जाना है सिंगिंग में जाओ, जो आपका पैशन है उसको फॉलो करो, ज़बरदस्ती ज़ोर ज़बरदस्ती में कुछ मत करो,
वो चीज़ कभी नहीं बनती लाइफ में, कभी नहीं बनती। और कुछ गलतियाँ मेरे से भी हुई हैं, मैंने अपना पैशन फॉलो नहीं किया। अगर मैं पैशन अपना फॉलो करता तो शायद आज मैं किसी अच्छे मुकाम पे भी होता, और मैं नहीं कर पाया। मेरे को उस टाइम नहीं लगा कि, उस टाइम समझ ही नहीं आती थी कि कैसे करना है कैसे नहीं करना, नहीं था। अब मैंने इतना चीज़ फेस कर लिया और अब मैं तभी आज मैं अपने पैशन को फॉलो कर रहा हूँ। मतलब ये मेरा पैशन नहीं था, मेरा पैशन कुछ और था। और एक ट्रैवलिंग का भी मेरा बहुत तगड़ा पैशन था। मैं फूडी तो बचपन से था, फूड तभी मैं फूड ब्लॉग्स भी करता था। मतलब मैंने बड़ी कोशिशें की हर चीज़ में, मतलब हाथ पैर डालने की कोशिश की। कहीं ना कहीं हाथ पैर मारोगे तो कुछ ना कुछ कर पाओगे। अगर आप कहोगे नहीं यार घर पे बैठ के ही सुस्ती में ये नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता, तो भाई कुछ नहीं कर सकते यार, कुछ नहीं कर सकते। चीज़ में अपना 100% देना दो, और जो गलतियाँ हो रही है उसको सुधारो। और प्लीज़ आप भी मेरे कमेंट सेक्शन में बताया करो कि मेरे से क्या गलतियाँ हो रही हैं, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। अगर आप ही नहीं बताओगे तो मैं कैसे सुधारूँगा। फेस करना पड़ेगा हर चीज़ को, हर चीज़ को फेस करना सीखो यार। लाइफ एक ऐसी चीज़ है, उतार चढ़ाव, ये चीज़ें नॉर्मल हैं। जो चीज़ हम सोचते हैं ना कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारे साथ वैसा हो रहा है, यार बहुत लोग हैं ऐसे यार जिनके साथ ये सब चीज़ें हो चुकी होती हैं। कभी कभार आप ये भी चीज़ नोट करना कि जो चीज़ आप सोचोगे मैं ये करता हूँ, और वो कोई बंदा करके भी कर चुका होता है वो चीज़। कभी भी नोट कर लेना इस चीज़ को, वही है ना। बहुत लोग होते हैं जिनकी एक जैसी सोच होती है। ऐसा नहीं है कि आप अकेले नहीं हो, कि आपकी एक आपकी अकेली सोच ही आप जैसी है बस। आपकी सोच वाले भी बंदे काफ़ी ज़्यादा होते हैं इस दुनिया। अब वो ढूंढने भी होते हैं कि कब मिलेंगे कब नहीं मिलेंगे, वो तो कुछ पता नहीं होता। तो गाइस आप यहाँ पे पहाड़ वगैरह देख सकते हो, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से इसको काटा गया है पहाड़ को, डिज़ाइन भी बना हुआ है इस पर, डिज़ाइनर पहाड़ है। नेचर की अपनी खूबसूरती है अपनी। बाकी काफ़ी मेरे को इस जगह का अभी पता नहीं है कि मैं अभी एग्जैक्टली कौन सी जगह पे पहुँचा हूँ, कौन सी लोकेशन पे हूँ। और गैस बसोली है यहाँ से 55 किलोमीटर बसोली है यहाँ से। अब मुझे पता नहीं है कि मैंने बसोली में एंटर करना है कि नहीं करना है, मुझे ये नहीं पता है, मेरे को रास्ता नहीं पता। बाकी मैंने मैप तो लगाया हुआ है, अब ये मैप ही बताएगा कहाँ से कहाँ निकालना है कहाँ से कहाँ नहीं। गैस ये देख सकते हो आप क्या ही नज़ारा है ऊपर का और नीचे का, और मैं सही जा रहा हूँ कि नीचे गलत जा रहा हूँ कुछ पता नहीं है। फिलहाल तो मैं सही जा रहा हूँ। तो गाइस मैंने लगा लिया मैप, तो यहाँ से जम्मू है 196 किलोमीटर्स, 4 घंटे 38 मिनट दिखा रहा है। तो मेरी ब्रेक फेल है, तो मुझे कम से कम 6 घंटे लेके चलना चाहिए, मुझे कम से कम भी 6 घंटे लगेंगे। तो ऊपर बादल देख सकते हो आप, काफ़ी बढ़िया बादल लग रहे हैं, और गाड़ियां वगैरह भी आ रही हैं, और इस साइड पहाड़ियां। अभी मैं वेट कर रहा हूँ दावर भाई वगैरह का, तो जैसे ही वो आते हैं, मेरे ख्याल से उन्होंने नीचे वाली रूट से जाना, चंबा जाना है उन्होंने शायद, तो वो शायद मेरे को लगता है कि नीचे वाली रूट से जाएगा। उन्होंने कहा था कि आगे से नीचे रास्ता मुड़ता हमने वहाँ से जाना है, तो इसलिए मैं यहाँ पर रुका हूँ। मेरे को कन्फर्म नहीं है कि चंबा वाला रास्ता यहीं से जाएगा कि आगे से जाएगा, तो अभी वेट कर रहा हूँ यहाँ पर। तो देखते हैं, गया पीछे जाके शॉप है एक, वहाँ पे पता करता हूँ चंबा को रास्ता कहाँ से जाता है। तो रुकते हैं फिर देखते हैं आगे। सो गाइस फाइनली पूरी टीम यहाँ पे पहुँच चुकी है, और हमारे इंडिया के झंडे भी आ चुके हैं। ये हमारे दिलीप भाई, और मैं यहाँ से लूँगा अलविदा। तो यहाँ से इन्होंने इस सीधा नीचे निकल जाना है हिमाचल की तरफ, और ये दावर भाई, और मैंने जाना है सीधा ऊपर की तरफ, ये अलमास भाई। तो अलमास भाई कितना मिस करोगे भाई को, ये का झंडा लगा के जा रहे हैं भाई लोग अपने। तो अब पूरा मैं चाहता हूँ कि सफर इनका बहुत बढ़िया हो जाए दावर भाई का। दावर भाई क्या कहना चाहोगे अभी उसको? कुछ नहीं यार, तो भी चलता, लेकिन काम पड़ गया इसलिए जाना पड़ा। काम भी पड़ गया साथ में, क्या हो गया दूसरा काम? बाइक का काम। सबसे मेन अभी क्या फंगा है? मेन तो भाई ब्रेक का है, ब्रेक फेल है उसकी। ब्रेक दिखाना, तू ब्रेक दिखा, की ब्रेक की हालत दिखाई मैंने गाइस को ब्रेक। तो गाइस ये ब्रेक है, ये यहाँ पे अटक गया, फेल है ये, मतलब चल ही नहीं रही है। ये देख सकते हो। तो ये मलिक भाई से भी अलविदा लेंगे। मलिक भाई क्या कहना चाहोगे? तो ये हमारा सिला भाई, सिला भाई मिस करोगे नहीं?
एक बार दिखाओ। कम से कम मेरा अभी 3-5-6 घंटे का सफर है, तो देखते हैं पूरा ज्यादा भाई। हाँ ज्यादा होगा, 7-8 घंटे का। वो मेरी सोलो राइड है तो मैं भी सोलो राइड करूंगा, तो चलते हैं देखते हैं फिर। जय हिंद।